हेलो एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और ये खाने का जायका भी बहुत बढ़ा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिर्च। तो मिर्च आप किसी भी वैरायटी का ले सकते हैं। मैंने ये देखिए लंबे और मोटे वाला मिर्च लिया है। और इसमें डलने वाले जो मसाले हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें चाहिए नमक, साबुत धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, मेथी, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, हींग, सौंफ और कलौंजी, राई और थोड़ा सा सिरका और मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए, मिर्च को मैंने धो के सुखा लिया है अच्छे से और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। ये देखिए, अगर ये छोटी वाली मिर्च होती तो हम इसका एक ही हाफ पीस करते, लेकिन क्योंकि इसमें साइज में बड़ा है तो इसको डब्बे में रखने में मुश्किल होगा, तो इसको इसलिए हम इस तरह से 4 पीसेस में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए, सारे मिर्च इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे मिर्चों को कट कर लिया है और एक पैन में मैं डालूंगी अब ये धनिया पाउडर, धनिया, साबुत धनिया, मेथी दाना, जीरा, सौंफ, राई और इनको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हल्का ही भूनना है, इसे जलाना नहीं है हमें। ये देखिए, ये मसाला भून चुका है और अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला दरदरा ही पीसना है हमें और ये मसाला पीस चुका है। एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर लिया है ताकि इसका स्मोक निकल जाए। तो चलिए, जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, कलौंजी और ये पिसा हुआ मसाला, ये भी हम इसमें मिला देते हैं, सिरका, हींग। तो चलिए, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, तब तक हमारा तेल भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे किसी जार में शिफ्ट करना है। तो चलिए, तेल ठंडा हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको एक जार में, यानी कि जिस भी बर्तन में आप इसको रखना चाहते हैं वो सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। और एक बार इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बनके तो फ्रेंड्स, आप इस अचार को अपनी मनपसंद रोटी, पूड़ी, परांठे किसी के साथ भी खाइए, ये आपके खाने का जायका दुगना कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।